वक्त चुनाव का है तो बात भी चुनाव की ही होगी। सीतामढ़ी में दोनों गठबंधनों के पहलवान मैदान में आ चुके हैं, लेकिन परेशान दोनों हैं। कारण कि दोनों गठबंधनों की टीम के दूसरे प्लेयर अब तक मन से अपने चुनावी कप्तान के साथ खड़े नहीं हुए हैं। ऐसे में माथा जदयू के प्रत्याशी डॉक्टर वरुण कुमार भी पीट रहे हैं और राजद के अर्जुन राय भी। सीतामढ़ी का कप्तान चुनने वाले दोनों गठबंधनों के नेता को बहुत लोग बहुत कुछ सुना रहे हैं। बात सबसे पहले एनडीए गठबंधन की करें तो जेडीयू ने यह सीट भाजपा से छीन ली है। रालोसपा के महागठबंधन में चले जाने के बाद भाजपा की नज़रें इस सीट पर थी, लेकिन नीतीश कुमार के सामने भाजपा की एक न चली। जिन्हें जदयू का पलड़ा भारी दिख रहा था, वे सभी विधायिका रंजू गीता की दावेदारी को मजबूत मान रहे थे। रंजू गीता भी इस चीज को लेकर कन्फर्म थी, लेकिन अंत समय में हो गया सब कुछ उल्टा। डॉक्टर वरुण कुमार को सीतामढ़ी के लोग अच्छे सर्जन के रूप में ही जानते थे। हाँ, कुबेर पुत्र माने जाने के कारण माल जाल सब कुछ था, पर राजनीति में तो कहीं भी नहीं थे। किंतु अंत समय में डॉक्टर वरुण कुमार ने सीतामढ़ी के जेडीयू भाजपा के घाघ नेताओं का ऐसा सर्जरी किया कि सभी किनारे लग गए। आरोप भले 10 करोड़ का लगा हो, पर टिकट तो डॉक्टर वरुण कुमार ही ले आए। एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर हो या एमएलए रंजू गीता, सभी धराशायी हो गए। सुनील कुमार पिंटू की आवाज भी किसी ने नहीं सुनी। टिकट ले लेने मात्र से डॉक्टर वरुण कुमार की समस्याएं खत्म नहीं हो गई हैं। जो किनारे लगे वे अब सभी खांस रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब किस किस की खांसी ठीक करें? चुनावी मैदान में जदयू का झंडा लेकर आगे बढ़ने को डॉक्टर वरुण कुमार के समक्ष सबसे बड़ा टास्क यह भी है कि वे दबा चाहे जो कोई हो, जदयू भाजपा लोजपा के सभी नेताओं को फील्ड्स में उतारे। इसके लिए महंगा सस्ता सब कुछ करना होगा। मन से सभी नहीं उतरे तो खांसते लोग परेशानी का कारण ही बनते रहेंगे। दूसरी ओर राजद का टिकट ले आए पूर्व सांसद अर्जुन राय के लिए भी यह कुछ सिक्योर मारने का ओपन ग्राउंड सजा नहीं है। राजद में ही बगावत है। अर्जुन राय अपने नेता शरद यादव के बूते टिकट पा गए हैं, जबकि राय को टिकट मिल गया है तो सीतामढ़ी में राजद के सबसे पुराने सीताराम बिदक गए हैं। सीधी बगावत है। खेल बिगाड़ने को सीताराम यादव मैदान में ताल ठोकने की बात कर रहे हैं। महंत जी भी नाराज हैं। अब देखना है कि राजद के मजबूत बागियों को तेजस्वी यादव कैसे मनाते हैं। अभी तक तो अपने भैया तेज प्रताप को ही वे नहीं मना पाए हैं।